हेलो एवरीवन, दिस इज़ द एवन एजुकेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप एंड देयर मेन फीचर्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। फर्स्ट है चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ की जो कीस्टोन स्पीसीज है वो है कियांग और तिब्बतन वाइल्ड एस, इसको बोलते हैं, और रेयर ब्लैक नेक्ड क्रेन। चांगथंग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो थ्री लेक से सराउंडेड है। ये थ्री लेक है सोमोरीरी, पेंगोंग सो, सोकार लेक। ये आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल लेक है ये सोमोरीरी लेक। सोमोरी लेक के फीचर्स हैं ये, इसका साइज है 120 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर और हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड ऑफ इट्स साइज। और ये एक रामसार साइट है, 2002 में इसको डेजिग्नेशन मिला था। फिर है शोकार लेक, ये रूपसू वैली में है और ये एक साल्ट लेक है और ये भी रामसार साइट है। इसका एरिया है 134 स्क्वायर किलोमीटर। फिर चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक फीचर है, यहाँ से इंडस रिवर फ्लो करती है जो डिवाइड करती है इसको दो पार्ट में, और ये हिंदू कुश हिमालय का पार्ट है। और यहाँ पर पाश्मीना गोट मिलते हैं जो फेमस है फॉर इट्स पाश्मीना वूल के लिए, जिसको सॉफ्ट गोल्ड भी बोलते हैं। इसके सोल बनते हैं जो काफ़ी गर्म होते हैं और काफ़ी महंगे बिकते हैं। यह आप देख सकते हैं पेंगोंग सो, ये एंडोरिक लेक है और ये लद्दाख और तिब्बत के बीच में आती है। इसका आधा हिस्सा लद्दाख में है। और आधा हिस्सा तिब्बत में है। और ये रामसार वेटलैंड नहीं है और ये सैलाइन लेक है। ये अंडर कंसिडरेशन है रामसार वेटलैंड के, अभी बनी नहीं है। फिर है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। ये इसकी लोकेशन देख सकते हैं आप। और ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड है पीर पंजाल रेंज के, ये आप देख सकते हैं। वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ सब अल्पाइन फॉरेस्ट ऑफ सिल्वर फिर, सिल्वर बिर्च, ब्लू पाइन। और द सेंचुरी एक्ट्स एज ए नेचुरल कॉरिडोर इन द मूवमेंट ऑफ ब्राउन बेयर एंड मार्खोर बिटवीन पूंछ एंड कश्मीर वैली फॉरेस्ट। तो पूंछ और कश्मीर वैली फॉरेस्ट के बीच में नेचुरल कॉरिडोर है जहाँ पर ब्राउन बेयर और मार्खोर मूवमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स मिलते हैं वो है हिमालयन ब्राउन बेयर, एशियाटिक ब्लैक बेयर, लियोपर्ड, मस्क डियर, कश्मीरी ग्रे लंगूर, स्नो लियोपर्ड, तिब्बतन वोल्फ, रेड फॉक्स, लियोपर्ड कैट, जंगल कैट, येलो थ्रोटेड मार्टिन। फिर है हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सोपियान डिस्ट्रिक्ट में है। इसका एरिया है 340 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ पर क्रिटिकल एंडेंजर्ड मार्खोर, पीर पंजाल मार्खोर मिलते हैं। और जो वेजिटेशन है वो है डेंस कोनीफेरस फॉरेस्ट। फिर है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है लेह डिस्ट्रिक्ट में लद्दाख में। इसको नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काराकोरम सियाचिन श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। और ये फेमस है, इसके जो कीस्टोन स्पीसीज हैं यहाँ पर वो चिरू और तिब्बतन एंटीलोप है जिसका स्टेटस
नियर थ्रेटेंड है IUCN की लिस्ट में। और ये हंटेड किए जाते हैं इनके अंडर फर के लिए, जो बाल होते हैं इनके शरीर पर, जो सॉफ्ट लाइट और वार्म होते हैं और जो मिलते हैं आफ्टर देयर डेथ, मरने के बाद इनके बाल उतारे जाते हैं, जिससे बहुत लग्जरी शॉल बनते हैं इंडिया के अंदर। और दिस अंडर फर नोन एज सहतूस बोलते हैं इसको। और इनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 1,000 से 5,000 US डॉलर इंडिया में है, और इंटरनेशनली ये प्राइस बढ़ के 20,000 US डॉलर तक हो जाता है। तो ये काफ़ी महंगे हैं और काफ़ी लग्जरी आइटम्स में आते हैं। फिर है ओवरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पहलगाम डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर में, और इसके नॉर्थ साइड सिंध वैली लगती है जबकि साउथ साइड दाचीगाम नेशनल पार्क लगता है। द सेंचुरी इज अ कैचमेंट एरिया ऑफ द लिडर रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। तो यहाँ पर लिडर रिवर बहती है जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम की, और इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर तारसार लेक है। यहाँ पर जो डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं बिलो 2600 मीटर ऑफ एल्टीट्यूड। और 2600 से 3000 मीटर के बीच मिलते हैं कॉनिफर फॉरेस्ट। कॉनिफर फॉरेस्ट में ब्लू पाइन और सिल्वर फर है जो कि 2600 से 3000 मीटर एल्टीट्यूड पे पनपते हैं। फिर है बिर्च फॉरेस्ट, ये 3000 से 3500 मीटर तक मिलते हैं, और यहाँ पर कॉमन स्पीसीज है वाइट बिर्च। जूनिपर्स ग्रो फ्रॉम 3500 टू 3800 मीटर इन द एल्पाइन स्क्रब। तो जूनिपर सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर मिलते हैं। फिर बर्ड स्पीसीज जो मिलती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसमें ओवरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इजिप्टियन वल्चर मिलते हैं जो कि एंडेंजर्ड है, फ्लाई कैचर मिलते हैं वल्नरेबल स्टेटस है, यूरोपियन रोलर मिलते हैं ये इनका नियर थ्रेटेंड है, और टाइटलर्स वार्बलर्स मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं यूरोपियन रोलर, ये टाइटलर्स वार्बलर्स, ये इजिप्टियन वल्चर, और ये कश्मीरी फ्लाई कैचर। फिर मैमल जो मिलते हैं कश्मीरी मस्क डियर, हिमालयन सीरो, एशियाटिक आईबैक्स, एशियाटिक ब्लैक बेयर, हिमालयन ब्राउन बेयर, गोल्डन मार्मोट। और ये जो ओवरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में आते हैं जहाँ पर कश्मीरी स्टैग मिलते हैं। फिर है होकेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया है श्रीनगर के पास, और ये लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व है कश्मीर वैली में, और इट इज़ सिचुएटेड इन द झेलम रिवर बेसिन में आता है ये। 2005 में इसको रामसार कन्वेंशन के तहत एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्ट दर्जा दिया गया। राजपैरियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दक्षुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पर बहुत से मैमल्स मिलते हैं, हिमालयन ब्लैक बेयर, हंगुल, मस्क डियर। थाजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बालताल में है, और इसको बालताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ये एस्टेब्लिश की गई थी 1987 में, और जब अमरनाथ ट्रैकिंग पे जाते हैं तो ये उसके रास्ते में पड़ती है थाजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 1981 में एस्टेब्लिश की गई थी, और इसका एरिया 32 किलोमीटर स्क्वायर, और ये कटड़ा में स्थित है, यहाँ माता वैष्णो देवी का मंदिर भी है।
फिर है सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका नेम पड़ा ट्विन लेक्स की वजह से, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसका एरिया 98 किलोमीटर स्क्वेयर, और ये लगभग 58 किलोमीटर दूर है जम्मू से। यहाँ पर जो वेजिटेशन मिलती है वो मिक्स्ड स्क्रब फॉरेस्ट मिलते हैं। फिर है जसरोता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ से उज रिवर फ्लो करती है। दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ मैमल्स, लाइक चीतल मिलते हैं यहाँ पर, बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर और रिसस मंकी। फिर है रामनगर रख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जम्मू से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है और ये सबसे क्लोजेस्ट है जम्मू के। फिर है अच्छाबाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये श्रीनगर में है, ये इसकी लोकेशन देख सकते हैं। और यहाँ पर कश्मीरी स्टैग, जो कि स्टेट एनिमल भी है जम्मू कश्मीर का, वो मिलता है। फिर 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाचीपोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लिम्बर या काजीनाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द एवन एजुकेशन। और अगर आपको स्टेट वाइज नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखें, और इफ़ यू वॉन्ट और अगर आपको स्टेट वाइज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड नेशनल पार्क ऑफ इंडिया देखने हैं, तो लिंक नीचे दिया हुआ, यू कैन गो एंड वॉच देयर।